गुड मॉर्निंग विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का वीडियो आपने देखा जिसमें आपका 20वां लेसन मुख्यतः कंप्लीट हो चुका था। मुख्यतः 20वां लेसन के बाद में 23वां लेसन इसलिए कि बोर्ड सिलेबस के द्वारा 21वां और 22वां लेसन आपके सिलेबस से इस वर्ष हटा दिया गया, तो मुख्यतः 21वां और 22वां लेसन को नहीं पढ़ना, इसलिए 20 के बाद में 23वां लेसन आता है। नोट्स की बात करें 15 लेसन तक के नोट्स आपके कंप्लीट थे, 16वां 17वां 18वां लेसन 3 लेसन हटा दिए गए, 19वां 20वां 2 लेसन आपके नोट्स बाकी हैं, फिर 21वां 22वां लेसन हटा दिया गया। 23वां लेसन का अध्ययन करते हैं अपन। लेसन है राजस्थान के संदर्भ में सिंचाई एवं पेयजल के बारे में। देखिए मुख्यतः सबसे पहले सिंचाई पेयजल की बात करें, वे जल के स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी है या जिनकी संभावना उपयोग की है वे जल संसाधन कहलाते हैं। यानी जल संसाधन से अभिप्राय क्या है, जल संसाधन कहें किसे, जल संसाधन का तात्पर्य क्या है, तो उन सभी जल के स्रोतों से जो मानव के लिए या तो उपयोगी है या जिन जल स्रोतों के जल के उपयोग की संभावना है उसे जल स्रोत कहा जाता है, जल संसाधन कहा जाता है। भारत का सबसे विशालतम राज्य अपना राजस्थान, लेकिन अपने राजस्थान के अंतर्गत संपूर्ण जो सतही जल है उस सतही जल का केवल 1.16% अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। कुल मिलाकर अपने राजस्थान में दोहन योग्य जो भूमिगत जल है यह भूमिगत जल 1.72% विद्यमान है। यानी अपने राजस्थान के अंतर्गत भारत का जो संपूर्ण सतही जल है उस संपूर्ण भारत के सतही जल का तो 1.16% विद्यमान है और दोहन योग्य जो भूमिगत जल है उसका 1.72% अपने राजस्थान में विद्यमान है। मुख्यतः राजस्थान कम वर्षा वाला क्षेत्र भी है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा केवल कितनी है, 57.5%, जबकि 57.5 सेंटीमीटर, जबकि पूरे भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 114 सेंटीमीटर है। मुख्यतः आपको ध्यान में भी होगा कि अपने राजस्थान के अंतर्गत प्रारंभ से वर्तमान तक लगभग 43 बार अकाल की स्थिति अपने राजस्थान के अंतर्गत हो चुकी है। मुख्यतः अपने राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये दक्षिणी पूर्वी भाग अपने राजस्थान के अधिकतम जल संसाधन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अधिकतम जल संसाधन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत विद्यमान है। मुख्यतः यहां प्रति व्यक्ति जल की जो वार्षिक उपलब्धता है वो 780 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता है, जबकि होनी चाहिए कितनी, होनी चाहिए लगभग कितनी, 1000 घन मीटर। और अपने राजस्थान में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता की बात करें वो केवल कितना है, 780, और होना चाहिए कितना, 1000 घन मीटर होना चाहिए। मुख्यतः अपना राजस्थान
जिसमें संपूर्ण भारत का 51% तो फ्लोराइड जो कि केवल अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है और संपूर्ण भारत का लगभग 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र अपना राजस्थान है, तो ये एक विशेष बात है। यानी राजस्थान में जो जल विद्यमान है या संपूर्ण भारत में जो फ्लोराइड की मात्रा जो जल के अंतर्गत विद्यमान है उसकी 51% फ्लोराइड की मात्रा अकेले राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। राजस्थान में विद्यमान जो जल है उसमें 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र अपने राजस्थान में है। मुख्यतः अपने राजस्थान के जो जल संसाधन है इन राजस्थान के जल संसाधन को अपन कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक राजस्थान का जो जल संसाधन है इस जल संसाधन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक सतही जल संसाधन और एक भूमिगत जल संसाधन। देखते हैं सबसे पहले अपन अपने राजस्थान के सतही जल संसाधन के बारे में। देखिए सतही जल संसाधन क्या है? सतही जल संसाधन के अंतर्गत मुख्यतः नदी, झील, तालाब ये मुख्यतः राजस्थान के जल के सतही जल के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें इनसे क्या होता है नदी से, झील से, तालाब से नहरों का संचालन करके नहरें निकाल करके जल का उपयोग होता है। अपने राजस्थान की चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी, बनास नदी, सूकड़ी नदी, बेड़च नदी, काली सिंध नदी, परवन नदी और मेज ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। अपने राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? चंबल, बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, सूकड़ी, बेड़च, काली सिंध, परवच और मेज। परवन और जो मेज नदी है वो भी महत्वपूर्ण है, ये प्रमुख नदियां हैं। मुख्यतः संपूर्ण राजस्थान को सिंचाई व पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की अनेक महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं वो प्रस्तावित हैं। यानी अपने राजस्थान में ये जो चंबल, माही, लूणी, बाणगंगा जो भी ये नदियां हैं इन नदियों से अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जोड़ना ये एक प्रस्तावित अपने राजस्थान के हैं। मुख्यतः अपने राजस्थान में अनेक खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें विद्यमान हैं, जिसमें उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसलमेर, पिछोला और फतेह सागर। जैसलमेर, पिछोला और फतेह सागर ये तो उदयपुर में। राजसमंद में राजसमंद झील, अजमेर में पुष्कर झील और आना सागर झील, अलवर में सिलीसेड़ झील, अपना जो बीकानेर है बीकानेर में कोलायत झील, जयपुर है जयपुर में रामगढ़ झील, माउंट आबू में नक्की झील, जोधपुर में बालसमंद झील, ये मुख्यतः राजस्थान के महत्वपूर्ण झीलें हैं। कौन कौन सी? जैसलमेर, पिछोला, फतेह सागर उदयपुर में, राजसमंद में राजसमंद, अजमेर में पुष्कर और आना सागर, अलवर में सिलीसेड़, बीकानेर में कोलायत, जयपुर में रामगढ़, माउंट आबू में नक्की झील और जोधपुर में बालसमंद झील। राजस्थान के अंतर्गत लगभग 450 बड़े तालाब विद्यमान हैं, जो सतही जल का अच्छा स्रोत है। तो ये तो गया सतही जल। एक बार फिर से देख लो कि सतही जल के प्रमुख स्रोतों की अपन बात करें तो नदी, झील, तालाब ये अपने राजस्थान में सतही जल के प्रमुख स्रोत हैं।
जिनसे नहरें निकाल करके मुख्यतः जो जल का उपयोग है वह जल का उपयोग मुख्यतः नहरें निकाल करके होता है। नहरों के माध्यम से जल निकाला जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल, माही, लूनी, बाणगंगा, सुकड़ी, बेड़च, कालीसिंध, परवन, मेज, ये अपने राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। मुख्यतः अपने राजस्थान को सिंचाई में जो पेयजल की प्रमुख समस्या है, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित हैं। अपने राजस्थान में खारे व मीठे पानी के अनेक जिले विद्यमान हैं। जिलों की बात करते हैं, उदयपुर में जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर, राजसमंद में राजसमंद झील, अजमेर में पुष्कर और आना सागर झील, सिरिसेड अलवर में, बीकानेर में कोलायत झील, जयपुर में रामगढ़ झील, माउंट आबू में नक्की झील, जोधपुर में बालसमंद झील, तो अनेक जिले विद्यमान हैं। राजस्थान में सतही जल स्रोत जो तालाब है, मुख्यतः 450 बड़े तालाब अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है, जो कि अपने राजस्थान के जल का एक अच्छा स्रोत है। कोई दिक्कत एक आता है, दूसरा भूमिगत जल संसाधन। देखिए भूमिगत जल संसाधन क्या है, धरातल के नीचे, धरातल के आंतरिक भाग में विद्यमान जल स्रोत। देखिए मुख्यतः राजस्थान का जो कुल सिंचित क्षेत्र है, राजस्थान का जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसका लगभग कितना भाग, 70% भाग भूमिगत जल के जो साधन है, यानी जैसे नलकूप है, कुएं हैं, इनके द्वारा सिंचित होता है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70% भाग भूमिगत जल संसाधन के स्रोत, कुएं, नलकूप आदि के माध्यम से सिंचित होता है, लेकिन 70% पेयजल का आधार भी भूमिगत जल संसाधन ही है। यानी पेयजल के प्रमुख स्रोत की अपन बात करें तो पेयजल का प्रमुख स्रोत भी भूमिगत जल संसाधन है। तो यह मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत सतही व भूमिगत जल संसाधन। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं अपने राजस्थान में जल संरक्षण की स्थिति। विवेकपूर्ण जल का उपयोग करना, विवेकपूर्ण ढंग से संसाधनों का रखरखाव करना, जिससे संसाधनों की जो हानि है, संसाधनों की जो व्यर्थता है उसको रोका जा सके, यह है प्रक्रिया संसाधन संरक्षण कहलाती है। देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, विवेकपूर्ण ढंग से संसाधनों का रखरखाव, जिसमें संसाधनों की हानि व संसाधनों की व्यर्थता को रोका जा सके, उसे संसाधन संरक्षण कहा जाता है। तो मुख्यतः अपन राजस्थान में जल संरक्षण की बात करें तो पहला जल संरक्षण का उपाय, राजस्थान के जो जलाशय, इसमें औद्योगिक औद्योगिक अवशिष्ट निपटान है वो, इनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। दूसरा सिंचाई के लिए नवीन पद्धति को अपनाना,
भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, नंबर चार वनस्पति विनाश के स्थान पर वृक्षारोपण करना, वर्षा जल का संग्रहण करना, नंबर छह फसल प्रतिरूप के अंतर्गत परिवर्तन करना। तो मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत जल संरक्षण के उपायों की बात करें तो राजस्थान में जल संरक्षण के छह उपाय हैं। पहला, जलाशय जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्टों का निपटान है। देखिए मुख्यतः अपना राजस्थान जो कि या तो जल अभाव वाला या जल संकट वाला क्षेत्र है, जहां पर जल के भंडार, जलाशयों की संख्या, सिंचाई व पेयजल हेतु जल की उपलब्धता बहुत कम है। ऐसे में विद्यमान जो जल स्रोत है उन जल स्रोतों के अंतर्गत यदि औद्योगिक अपशिष्टों का निपटान होगा, औद्योगिक जो कूड़ा करकट है, औद्योगिक कचरा है, उसका यदि निपटान होगा तो निश्चित रूप से विद्यमान जो जल स्रोत है वो दूषित हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, उनमें विद्यमान जो जल की मात्रा है वो मानव के लिए उपयोगी नहीं होगी, मानव उनका उपयोग नहीं कर सकेगा, चाहे वो शुद्ध पेयजल हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, घरेलू कार्य हो, औद्योगिक कार्य हो, उनके अंतर्गत ये अपशिष्ट जल है वो अपशिष्ट जल काम में नहीं लिया जाएगा, तो मुख्यतः ये न के बराबर हो जाएगा। नंबर दो, सिंचाई हेतु नवीनतम पद्धति। देखिए मुख्यतः वैसे राजस्थान के अंतर्गत उन्हीं कृषि फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए जिनको औसत वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर मिलती हो, किंतु अधिकतम जलराशि या अधिकतम सिंचाई वाली फसलों को यदि बोया जाता है तो सिंचाई के लिए नवीनतम पद्धति अपनानी चाहिए। मुख्यतः नवीनतम पद्धतियों के अंतर्गत जैसे मटका सिंचाई विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, फव्वारा सिंचाई विधि वर्तमान के अंतर्गत है, तो ऐसे सिंचाई विधि जिनके अंतर्गत जलों को, जो फसलें हैं उनको अधिकतम जल की प्राप्ति भी हो जाए और जल का अपव्यय भी न हो। प्रारंभ के अंतर्गत आपने देखा होगा या आपने सुना होगा गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है वहां कृषि क्षेत्रों को जो सिंचाई की जाती है वो डायरेक्ट पाइपों के माध्यम सिंचाई की जाती है, तो जल की व्यर्थता उन क्षेत्रों में होता दिखे, तो ऐसे सिंचाई विधियों को नहीं अपनाना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई विधि के माध्यम से मटका सिंचाई विधि के माध्यम से फसलों में सिंचाई का कार्य करना चाहिए जिससे अधिकतम फसल उत्पादन भी हो सके और जल का न्यूनतम उपयोग हो। नंबर तीन, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। अभी जब अपन भूमिगत जल संसाधन पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा कि राजस्थान के अंतर्गत जो कुल कृषिगत कार्य होता है उस कुल कृषिगत कार्यों में आवश्यक सिंचाई जल क्या 70% भूमिगत जल से प्राप्त होता है, वही पेयजल भी लगभग 70% भूमिगत जल से प्राप्त होता है। तो यह अनुमान अपन लगा सकते हैं कि जल संसाधनों के अंतर्गत भूमिगत जल संसाधन एक कितना महत्वपूर्ण जल संसाधन है। विवेकपूर्ण रूप से भूमिगत जल का यदि उपयोग किया जाएगा, बुद्धिमत्तापूर्ण कम से कम जल का उपयोग किया जाएगा, तो वो जल हमारे धरातल के आंतरिक भाग में एक संरक्षित जल है। उस संरक्षित जल को अपन बाद में काम में ले सकते हैं, तो भूमिगत जल का कम से कम उपयोग आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। एक वनस्पति विनाश के स्थान पर वृक्षारोपण की स्थिति।
देखिए मुख्यतः वृक्ष वर्षा के लिए अनुकूलतम व आवश्यक कारक होते हैं, वर्षा के प्राप्ति के प्रधान स्रोत होते हैं। वनस्पति के अभाव में वर्षा संबंधी कारक निश्चित रूप से प्रभावित होता है, तो वनस्पति विनाश के स्थान पर आज विकास की प्रक्रिया, औद्योगिक विकास की लालसा, अधिक विकास की प्रवृत्ति, इन सब के कारण वनों को काट करके वहां पर औद्योगिक कंपनियां स्थापित की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 वृक्ष काटे तो उनके स्थान पर 100 वृक्ष लगाने चाहिए, ऐसी एक भावना होनी चाहिए। अधिकतम वृक्षारोपण होगा तो निश्चित रूप से वर्षा का जो अनुपात है, वर्षा प्राप्ति का जो अनुपात है, उस अनुपात में वृद्धि होगी, वृक्षों का अनुपात बढ़ेगा, वृक्षों का क्षेत्रफल या प्रतिशत बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंतर्गत वर्षा का जो प्राप्ति का प्रतिशत है उसमें भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। एक सबसे प्रधान कारण है पांचवें नंबर का, वर्षा जल संग्रह। देखिए मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण का कार्य होता तो है, लेकिन मुश्किल से एक दो जिलों में, जोधपुर बाड़मेर वगैरह, उनके अंतर्गत वो टांके वगैरह निर्माण करके जल का संग्रहण करते हैं। ऐसा यदि संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत हो तो वर्षा जल के संग्रहण से भूमिगत जल को बचाया जा सकता है। भूमिगत जल जो कृषि कार्य के अंतर्गत काम में लिया जाता है, उसके स्थान पर संग्रहित तो वर्षा जल को काम में लिया जा सकता है। आज जोधपुर है, जोधपुर का जो फलोदी जो तहसील है, उस फलोदी तहसील के अंतर्गत लगभग प्रत्येक घर के अंतर्गत टांका मिलता है, यानी वर्षा जल संग्रहण का एक स्रोत बना हुआ है। ऐसा यदि संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत होता है तो निश्चित रूप से वर्षा का जो जल संग्रहित हो उससे कृषिगत जो कार्य है उन कृषिगत कार्यों का संचालन किया जा सकता है, सिंचाई के अंतर्गत या जो औद्योगिक क्रियाकलाप है, औद्योगिक कार्य है, उन औद्योगिक कार्यों या कृषि कार्यों के अंतर्गत एकत्रित वर्षा जल को काम में लिया जा सकता है। आज तमिल और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं, मुख्यतः उन क्षेत्रों के अंतर्गत अपन देखें प्रत्येक घर के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण का एक अच्छा स्रोत हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वर्षा जल संग्रहण आवश्यक इसलिए है कि वर्षा का जल है वो प्रवाहित होकर के महासागरों के अंतर्गत प्रविष्ट होता है और महासागरों के अंतर्गत जाकर के वो जल है लवणीय हो जाता है, और लवणीय जल की मात्रा जिस जल के अंतर्गत लवणता पाई जाती है वो लवणयुक्त जल न तो कृषि कार्यों के अंतर्गत काम में लिया जा सकता, न मानव घरेलू कार्यों में काम में ले सकता, न पेयजल के रूप में काम में ले सकता। यदि उस जल को महासागरीय जलराशि में मिलने से बचा लिया जाए, घरेलू जल को या प्रवाहित जो वर्षा का जल है उसे किसी एक माध्यम में, किसी तालाब के अंतर्गत या टांका बना करके या अन्य कोई जल स्रोत बना करके उस वर्षा के जल का यदि संग्रहण कर दिया जाए, तो वर्ष भर जो कृषिगत जो कार्य है उन कृषिगत कार्यों के अंतर्गत वो वर्षा का जल वो ठीक प्रकार से काम में आ सकता है। वर्षा जल निश्चित रूप से अपने राजस्थान के अंतर्गत यदि होने लगे तो जल संकट की स्थिति से शायद उभरा जा सकता है, और यह निर्भर करता है हमारे प्रमाण। आज अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत देखते हैं कि वो जो वर्षा जल होता है वो वर्षा जल प्रवाहित होकर के नालों के माध्यम से, बड़े नालों के माध्यम से, छोटी बड़ी नदी का माध्यम से अंत में जाकर के महासागरीय जल में चला जाता है। यदि उस जल को अपन घरेलू स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर यदि उस वर्षा जल को संग्रहित कर लें तो वो जो संग्रहित जल है वो संग्रहित जल हमारे कृषि कार्यों के अंतर्गत, औद्योगिक कार्यों के अंतर्गत निश्चित रूप से काम में लिया जा सकता है। तो वर्षा जल का जो संग्रहण है वो भी अपने राजस्थान के अंतर्गत जल संकट की स्थिति से हमें बचा सकता है। एक है फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से अभिप्राय होता है शस्य परिवर्तन, फसल चक्र को अपनाना। फसल चक्र को अपनाने से अभिप्राय यह है कि हमेशा ही अधिक सिंचाई वाली फसलों को न बो करके, जिसे मान लीजिएगा, इससे क्या होता है, फसल चक्र को नहीं अपनाने से या फसल प्रतिरूप में परिवर्तन न करने से
मिट्टी में जल की मांग बढ़ती है, पहली बात। भूमि के अंतर्गत उपजाऊपन की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए उसमें सिंचाई की मात्रा, जल की मात्रा अधिक डालनी पड़ती है। यदि बार बार बदल बदल करके फसलों को बोया जाएगा, फसल चक्र में परिवर्तन से अभिप्राय ये है, बदल बदल करके फसलों को बोना, निश्चित रूप से फसल चक्र अपनाने से भी जल संरक्षण हो सकता है, जल की उपलब्धता या जो जल की जो मात्रा है उस जल की मात्रा के आधार पर फसलों को बोया जाना। भाई जैसे उदाहरण के लिए अपने राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा जो कि लगभग 57.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा अपने राजस्थान की है, और यदि अपन 100-125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाली फसलों को बोएंगे तो निश्चित रूप से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार तो ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिसमें कम जल की आवश्यकता हो, एक बार अधिक जल की, जिससे क्या है कि एक जल का जो संतुलन की स्थिति है वो संतुलन की स्थिति बनी रहे। तो बदल बदल करके फसलों को बोना ये भी मुख्यतः जल संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो जल संरक्षण के कितने उपाय हो गए, 3 उपाय, सॉरी 6 उपाय। 6 उपाय कौन कौन से? पहला, जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्ट निपटान न हो। नंबर 2, सिंचाई हेतु नवीनतम पद्धतियों को अपनाना। नंबर 3, भूमि के जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना। नंबर 4, वनस्पति विनाश के स्थान पर वृक्षारोपण करना। नंबर 5, वर्षा जल का संग्रहण करना। और नंबर 6, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। ये 6 कारक आपके हो गए जल संरक्षण के, मुख्यतः ये जल संरक्षण के 6 कारक अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुख्यतः नोट्स वगैरह की बात करें तो मुख्यतः आप लिख रहे होंगे नोट्स वगैरह भी, 15 लेसन तक के नोट्स आपके कंप्लीट होंगे 2-3 दिन में। आपका जो 19 और 20, क्योंकि 16वां 17वां 18वां 3 लेसन आपके सिलेबस से हटा दिए गए, 19वां और 20वां लेसन ये 2 के नोट्स आपको PDF फाइल बना करके असाइनमेंट में भेज दी जाएगी 1-2 दिन में। 21वां 22वां लेसन हटा दिया गया, ये 23वां लेसन है। मुख्यतः जो लेसन महत्वपूर्ण है या जो टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी पुनरावृत्ति भी, उनका रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। क्योंकि कई बच्चे क्या, कई बार दिखा है मैंने व्यूअर्स रिपोर्ट 2-3 ऐसे आ रही है, तो वो थोड़ा गलत है। आप अन्य बच्चों को भी कहें भाई जिससे आपका सिलेबस है वो ठीक प्रकार से मेंटेन हो सके। मुख्यतः नोट्स लिखने के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी ठीक प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि कभी भी आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी हो सकता है 2-3 महीने बाद में, आगे फाइनल एग्जाम भी शायद होना संभव ही है। तो उसके लिए जो टॉपिक आपको बता दिए गए या जो टॉपिक आपके वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए गए वो टॉपिक्स भी आप ठीक प्रकार से तैयार करें। डेली एक टॉपिक को लें, जितना वीडियो आपको भेजा जाता है वहाँ तक का टॉपिक भी आप डेली क्लियर करते रहोगे तो शायद आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी याद आपको ही करना है। तो ये विशेष ध्यान रखें, आपने तैयारी पर भी विशेष ध्यान दें। बिल्कुल फ्री टाइम है, बिल्कुल फ्री हो तो आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हो। तैयारी आपकी ठीक प्रकार हो रही है, सिलेबस आपका ठीक प्रकार से चल रहा है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। एक वर्कबुक के लिए मैंने कहा था, बार बार 5-4 वीडियो में आपको बता चुका, जो वर्कबुक के लिए आपको बताया गया वो वर्कबुक आपने ले ली होगी, नहीं ली है तो ले लें भाई, जो ग्रोफी वर्कबुक बुक सेलर के पास मिल जाएगी वो जल्दी ही ले लें, बाद में नहीं मिल पाएगी। जिसे प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि 23वां लेसन है, 2-3 लेसन और आपके बाकी हैं, उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल वर्क कार्य करवाया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें, धन्यवाद, आज इतना ही।